नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। देश भर में पहली बार शनिवार को लगाया जाएगा स्वदेशी टीका। जमशेदपुर में भी तैयारियां है पूरी। टाटा मुख्य अस्पताल एवं एमजीएम मेडिकल कॉलेज में लगाया जाएगा टीका। आबकारी विभाग को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर कोवाली थाना क्षेत्र में हुई छापेमारी। लाखों का अवैध शराब हुआ है जब्त। रेल एसपी के नेतृत्व में संपन्न हुई रेलवे क्राइम मीटिंग। अधिकारियों को दिए गए कई दिशा निर्देश। आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने का है उद्देश्य। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को देश का पहला कोरोना का टीका लगेगा। जमशेदपुर में इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल और एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पहले चरण में हेल्थ वर्कर को टीका दिया जाएगा। वैसे जमशेदपुर में कुल 80,000 लोगों को टीका देने की तैयारी की जा रही है। शुक्रवार को जिले के उपायुक्त टाटा मुख्य अस्पताल एवं एमजीएम मेडिकल कॉलेज का दौरा किए और तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। वैसे ही उपायुक्त ने टीकाकरण की व्यवस्था को देख संतुष्टि जताई। उन्होंने बताया कि 3 लेयर का यह अभियान चलेगा। पहले लेयर के तहत हेल्थ वर्कर का रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे लेयर में उनके टीका दिया जाएगा और तीसरे लेयर में ऑब्जर्वेशन की सुविधा रहेगी। कुल मिलाकर जमशेदपुर में कल से शुरू हो रहे वैक्सीनेशन अभियान की तैयारी पूरी तरह हो चुकी है। हेल्थ केयर वर्कर की वैक्सीनेशन जो है फर्स्ट फेज की वो शुरू करने वाले होनी है। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार खुद इस पर्टिकुलर चीज़ की शुरुआत करेंगे और इसकी शुरुआत होने के लिए हम लोगों ने यहाँ पूर्वी सिंहभूम में 2 सेशन साइट्स बनाए हैं राज्य सरकार के निर्देश पर। एक सेशन साइट एमजीएम मेडिकल कॉलेज पूर्वी सिंहभूम का है और दूसरा साइट यहाँ टीएमएच में है। इसी पर्टिकुलर सेशन साइट का हम लोग यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं। इस सेशन साइट में बेसिकली 3 भाग में इसकी रूपरेखा तैयार होनी है। पहला हेल्थ केयर वर्कर का वेटिंग रूम, जहाँ हेल्थ केयर वर्कर पहले आके सिटिंग होंगे, उनकी वेरिफिकेशन होगी, उनके सॉफ्टवेयर में वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद उनका टीकाकरण शुरू कराया जाएगा। सेकंड वैक्सीनेशन चैम्बर का और तीसरा ऑब्जर्वेशन रूम का, कि अगर कोई आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं तो हम लोग उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए तो इसकी तैयारियां यहाँ पर हम लोगों ने देखी हैं। तैयारियां मुकम्मल हैं, काफ़ी अच्छी तैयारी है और एज ए जेस्चर ऑफ नोबेल कॉज जो है वो हम लोग में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के आधार पर सबसे जो पहला कोविड वैक्सीनेशन है हमारे सैनिटेशन वर्कर, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके कोविड के टाइम में हम लोगों की हेल्प करी है, उनको दोनों सेशन साइट्स पर दिया जाएगा कोविड वैक्सीन। जमशेदपुर में आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के कोवाली थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए जिले के कोवाली थाना क्षेत्र के दीपासाई इलाके से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को बरामद किया है। हालांकि इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। गौरतलब हो कि लगातार विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में बड़ी सफलता भी विभाग को मिल रही है। शुक्रवार को गुप्त सूचना के आधार पर जिले के कोवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दीपासाई इलाके में छापेमारी की गई, जहां बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को विभाग ने जब्त किया है। विभाग के अनुसार इस जब्त किए गए शराब का बाजार मूल्य लगभग 1,70,000 रुपए है। वैसे विभाग के अनुसार लालचंद नामक व्यक्ति के आवास में ये छापेमारी की गई और संभवतः उनके द्वारा ही ये अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। फिलहाल विभाग आरोपी की तलाश में जुट गई है। कोवाली थाना में दीपासाही नामक एक गांव है, जहां से व्यक्ति अपने घर में अवैध शराब का कारोबार करता है। इसके आधार पे जो है से हम लोग कोवाली थाना से संपर्क किए और आज सुबह वहां पे रेड किए और भारी मात्रा में जो है से किंग्स गोल्ड की बोतल में प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ जो है से नकली शराब का रैपर और कॉर्क भी मिला है और हम लोग जो है से भारी मात्रा में किंग्स गोल्ड की बोतल ही प्राप्त की है। गिरफ्तारी किसी की नहीं हो पाई, हम लोग के पहुंचने से पहले ही वो घर बंद करके भाग चुका था। कितना कीमत हो गई इसका? कीमत 1,60,000 या 70,000 की होगी। कोरोना काल में जहां रेल पहिया थम गया था, अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होते दिख रहा है।
विभिन्न राज्यों के रेल रूटों में ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रेल पुलिस भी आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कमर कस चुकी है। लंबित मामलों के निष्पादन और विभिन्न कांडों के समीक्षा के उद्देश्य से रेल पुलिस मुख्यालय में रेल एसपी आनंद कुमार के नेतृत्व में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान ट्रेनों के परिचालन के दौरान यात्री सुरक्षा पर मुख्य रूप से जोर दिया गया। विगत दिनों ट्रेन के परिचालन थम जाने से चोरी की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ था। इस पर लगाम लगाने और स्टेशन परिसर में आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने समेत कई आवश्यक दिशा निर्देश रेल एसपी द्वारा संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया। पुलिस विभाग में होती है, इसको हम क्राइम मीटिंग या अपराध गोष्ठी कहते हैं, और हर थाना ओपीपीपी से हम लोग जो कांड दर्ज होता है उसकी समीक्षा करते हैं, इसमें क्या प्रगति हुई है ना, उसको कैसे उसका निष्पादन करना है, डिस्पोजल करना है, कैसे गिरफ्तारी करना है, ठीक है ना, एक रूटीन वर्क है हमारा। प्रभारी ओपी सी पी प्रभारी आते हैं, ठीक है ना। शहर में बढ़ते ट्रैफिक और आए दिन लग रहे जाम को लेकर शुक्रवार को जिले के उपायुक्त सूरज कुमार खुद सड़कों पर निकले। इस दौरान उन्होंने सड़क में अवैध रूप से अतिक्रमण कर लगाए गए दुकानदारों को कड़ी फटकार लगाते हुए दुकानों से बाहर रखे सामानों को अंदर करने की नसीहत दी। साथ ही चेतावनी दी कि अगर दोबारा सड़क पर अतिक्रमण कर दुकान लगाया तो मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। वैसे ही उपायुक्त के इस औचक कार्रवाई के बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। यह कार्रवाई लगभग आधे घंटे तक मानगो क्षेत्र में चला। जमशेदपुर में अब ट्रैफिक विभाग नो पार्किंग को लेकर लगातार शहर भर में अभियान चला रही है। जिले के ट्रैफिक डीएसपी खुद इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। शुक्रवार को ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में यह अभियान जिला मुख्यालय के आसपास के मुख्य सड़कों में चलाया गया, जहां खड़े वाहनों को सीधे विभाग ने फाइन कर दिया। अमूमन शहर के मुख्य सड़कों के किनारे वाहन आम तौर पर लोग खड़ी कर अपने कार्य को करते हैं, जबकि शहर के विभिन्न इलाकों में जमशेदपुर अक्षेत्र विभाग ने पार्किंग की व्यवस्था की है। ऐसे में कई बार इन अवैध पार्किंग के कारण लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है। जिले के ट्रैफिक विभाग अब अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्ती बरत रही है और कार्रवाई करते हुए फाइन वसूल रही है। जिले के ट्रैफिक डीएसपी ने शहरवासियों से अपील की है कि नियमों का पालन करते हुए सभी निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही अपने वाहनों को पार्क करें, अन्यथा विभाग ऐसे ही कार्रवाई करते रहेगी। करते चल रहा हूँ, ये जो ब्लैकटॉप रोड है, कृपया आप ब्लैकटॉप रोड पर अगर अपनी गाड़ी का एक चक्का भी रखते हो तो मैं उसे रॉन्ग पार्किंग मानूंगा। 177A में मैं आपसे 1000 रुपये जुर्माना वसूलूंगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप लोगों से, जनता से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि वो गाड़ियों को रॉन्ग पार्क ना करें, ताकि आम जनता को गाड़ियों के परिचालन में शहर में सुविधा बनी रहे। मकर संक्रांत के मौके पर जमशेदपुर पटमदा प्रखंड के कमलपुर थाना अंतर्गत दोपालपुर में मां खोइला चंडी का भव्य रूप से पूजा अर्चना किया गया, जहां हजारों की तादाद में श्रद्धालु उपस्थित होकर पूजा अर्चना किए। इस बीच मन्नत किए गए महिला व पुरुष द्वारा तालाब से मिट्टी उठाकर मां केला चंडी के चरणों पर समर्पित किया गया। इस दौरान कुछ श्रद्धालुओं ने दंडी लगाते हुए तालाब से लेकर महिला चंडी पूजा स्थल तक पहुंचे। पूजा स्थल तक पहुंचने पर जो लोग दंडी लगाकर पहुंचते हैं उन लोगों को पूजा करने के लिए प्रथम स्थान दिया जाता है। वहीं श्रद्धालुओं की माने तो मां खेला चंडी का पूजा मिट्टी से बने हुए हाथी घोड़े के मूर्ति से किया जाता है। जो लोग मन्नत करते हैं सभी की मनोकामनाएं यहाँ
मां पूर्ण करती है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद तालाब से मिट्टी लाकर मां खेला चंडी के चरणों में समर्पित किया जाता है। मतलब कोई मेहनत करता ना तो यहाँ सक्सेस हो जाता है, तो मट्टी खेलना पड़ता है, यहाँ उपवास रहता है, तो कोई दंडी भी दे रहा है। देखा ये तो घोड़ा, वो मट्टी का जो घोड़ा है ना, वही घोड़ा का पूजा होता है। खेला चंडी बोल करके है ना, उसी का पूजा होता है। तो चारों तरफ दूर दूर से आदमी आता है। तो हाँ, पहले से तो कम है, ये साल कमी आया है। पिछले 50 दिनों से भी अधिक समय से दिल्ली बॉर्डर पर जमे किसानों के समर्थन में कल उड़ीसा के भुवनेश्वर से 1000 किसानों का जत्था दिल्ली के लिए कूच कर रहा है। जमशेदपुर होते हुए किसानों का जत्था दिल्ली के लिए जाएगा। इधर किसान एकजुटता मंच ने भुवनेश्वर के किसानों का गर्मजोशी से स्वागत करने का निर्णय लिया है। जानकारी देते हुए मंच के संरक्षक कुमार चंद्र मार्डी ने बताया कि शनिवार दोपहर 1 बजे बाबा तिलका मांझी क्लब और बालीगुमा ग्राम सभा द्वारा मानगो में किसानों का पारंपरिक स्वागत करते हुए उन्हें भोजन कराकर विदा किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से अविलंब कृषि बिल 2000 बिल वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने तीनों बिल को किसानों के लिए काला कानून बताया। जो राजधानी है वहाँ से कुछ कर रहे हैं और वो खड़गपुर होते हुए, भाड़ागुड़ा होते हुए, घाटशिला होते हुए दोपहर 1 बजे तक यहाँ जमशेदपुर मानगो डिमनामित बाबा तिलका मांझी जो क्लब है और बालीगुमा जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के लोगों ने अपना पारंपरिक ढंग से ढोल नगाड़े के साथ में स्वागत करेंगे और दोपहर का भोजन करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG News की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।